राफेल में उड़ान के दौरान राजनाथ सिंह का अनुभव कैसा रहा, जाने उनके कहे एक एक शब्द। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं मनी जादवानी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के लिए पहला राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से रिसीव किया। विजयदशमी पर राफेल को रिसीव करने के बाद रक्षा मंत्री ने पूरे विधि विधान से इसी सशस्त्र पूजा की। इसके बाद राजनाथ सिंह इसकी पहली उड़ान पर निकल पड़े। राजनाथ सिंह पूरी तरह से एक फाइटर पायलट की तरह ड्रेसअप होकर दुनिया के सबसे तेज तर्रार फाइटर प्लेन राफेल में सवार हो गए और आसमान में हवा से बातें की। फ्रांस से भारतीय वायुसेना के लिए पहला राफेल रिसीव करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें उड़ान भरी। इस खास उड़ान के अनुभव को उन्होंने मीडिया से साझा किया। राजनाथ सिंह ने कहा, कैप्टन फीन के साथ मैंने राफेल में उड़ान भरी, काफी कंफर्ट उड़ान रही। उन्होंने मुझे सुपर सोनिक की स्पीड से राफेल में यात्रा कराई। सुपर सोनिक की स्पीड से उड़ान भरने के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। यह मेरे जीवन का अद्भुत पल रहा। राफेल में उड़ान भरकर काफी अच्छा लगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वायुसेना की ताकत किसी पर हमले के लिए नहीं बढ़ा रहा है, हम सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों में 18 राफेल भारत को मिल जाएंगे। अप्रैल 2022 तक भारत को डील के मुताबिक सभी 36 राफेल मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री ने फ्रांस की धरती से देशवासियों को वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी।